ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से 35 किलोमीटर दूर 5 गांवों में बटी हुई ग्राम पंचायत फरारगंज। आज जब देश के लगभग 67% बच्चे और आधी से ज्यादा महिला आबादी एनीमिया से ग्रस्त है, ग्राम पंचायत ने अपनी कोशिशों के बल पर इस इलाके को एनीमिया मुक्त करके दिखाया है। तकरीबन 3000 की आबादी वाली फरारगंज ग्राम पंचायत में 1 पीएचसी, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र, 5 आंगनबाड़ी केंद्र और 6 स्कूल हैं। दूसरे ग्रामीण इलाकों की तरह कभी फरारगंज भी कुपोषण और एनीमिया की समस्या से ग्रस्त था, लेकिन ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग की टीम की साझा रणनीति के दम पर आज ये पंचायत सतत विकास लक्ष्यों में से एक स्वस्थ गांव की अवधारणा को जमीन पर उतारने की दहलीज पर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रखती है। बच्चों के वजन और लंबाई का नियमित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है। आज फरारगंज में कई ग्रामीण ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पोषक खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं। फरारगंज ने बीमारी के उपचार से ज्यादा बीमारी से बचाव पर फोकस किया है। फरारगंज आज एनीमिया से मुक्त है। फरारगंज एक उदाहरण है दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए कि किस तरह अपने प्रयासों से एक सेहतमंद और खुशहाल गांव की बुनियाद रखी जा सकती है।